अल्लाह की तौफीक से और उसके फजल से और उसके करम से आज हम 30वें पारे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 30वें पारे का आगाज सूरह नबा के साथ किया है। फरमाया अम्मा यतसाअलून, वो किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। अनिन नबाइल अजीम, क्या वो उस बड़ी ख़बर के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। कल्ला सयालमून, यकीनन वो उसे जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयालमून, और फिर यकीनन वो इसे जान लेंगे। वो चीज़ क्या है, वो क़यामत है। फरमाया जो झगड़ा कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी जान जाएंगे, क़यामत का आना हक है और क़यामत आ के रहेगी। क़यामत ना आए, क़यामत का वुकू ना हो, तो फिर ये ज़िंदगी के जो रोज़ के मामलात हैं इनका हिसाब कैसे हो। फिर दुनिया में ज़ालिम ज़ालिम रह गया और मज़लूम मज़लूम रह गया। क़यामत का कायम ना होना ये मज़लूम के साथ ज़ुल्म होगा। लिहाजा फरमाया कि जो झगड़ा कर रहे हैं ना कि पता नहीं कायम होगी कि नहीं होगी, इन्हें बताइए कि क़यामत अन करीब कायम हो जाएगी। इसके बाद इसी सूरह में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करने के बाद आयत नंबर 17 में फरमाया कि फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है। वो किसी के कहने पे जल्दी नहीं होगा उसका दिन, मैंने अल्लाह फरमाते हैं कि वो दिन मुकर्रर है। और फिर अलामत क़यामत का बयान फरमाया। इसके बाद फरमाया कि जहन्नम सरकशों का ठिकाना है, जिसमें वो मुद्दत दराज तक रहेंगे, और उसमें उन्हें खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों के जख्मों की पीप के सिवा कोई मशरूब नहीं दिया जाएगा। इससे आगे फिर सूरतुन नाजियात शुरू होती है। सूरह नाजियात, इस सूरत में ये बताया कि मौत के फरिश्ते, चूँकि 30वें पारे की ना सूरतें बड़ी मुख्तसर तरीन सूरतें हैं, अपने अल्फाज के लिहाज से और अपने हरूफ के लिहाज से मुख्तसर तरीन सूरतें हैं, तो इस सूरह मुबारका में ये बताया कि मौत के फरिश्ते जहन्नमियों की रूह नहायत सख्ती से निकालते हैं और अहले ईमान की रूह को नहायत नरमी के साथ। और फरमाए इसके बाद फरिश्तों का जिक्र है कि जिन्हें कारखाने कुदरत के मामलात की तदबीरें तफवीज़ की जाती हैं। इसके बाद फिर क़यामत का अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया है। इससे आगे सूरह आबासा है। आबासा व तवल्ला अंजाअहुल आमा, हुआ ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो एक नाबीना सहाबी आ गया और वह बार बार बात में मुदाखलत करते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन पर जलाल फरमाया। अल्लाह करीम ने महबूब करीम से कहा कि महबूब, आपको उस पर जलाल नहीं करना चाहिए था, वो गरीब तो आपकी ज्यारत करने आया था, वो तो दीदार करने आया था। अल्लाह तो अपने महबूब को कह सकता है ना ये बात, लेकिन उम्मती उठ के इस बात का जिक्र करे तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है, ये ज़रा मुनासिब। अल्लामा इस्माइल लक्की ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक इमाम हर रकत में सूरह आबासा पढ़ता था, हर रोज़ नमाज फजर में एक रकत में कम अज़ कम वो सूरह आबासा पढ़ता। तो हज़रत उमर को किसी ने बतलाया तो आपने उसको कहा तुझे और कुरान मजीद नहीं आता, लगा आता है। फरमाया फिर ये क्यों पढ़ते हो, कहने लगा बस जी मेरा दिल करता है। तो जनाब उमर ने तलवार लेके उसकी गर्दन उड़ा दी थी। बंदा कौन था, मस्जिद का कुरानशी पढ़ता था ना। कहते हैं जी आप कुरान पढ़ने वाले के बारे में ये लफ्ज़ कह रहे हैं, तो भाई वो भी कुरान पढ़ता था, कुरान भी उतनी देर तक फ़ायदा देता है जब तक नबी पाक का अदब रख के कुरान पढ़ा जाए, और अगर अदब ही नहीं है, तज़ीम ही नहीं है, तौक़ीर ही नहीं है, वो जी कुरान में लिखा हुआ है। याद रखें अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तज़ीम रिसालत के बग़ैर किसी किस्म की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है, इसको जान लें और समझ लें। इसी सूरत के आखिर में क़यामत के नफ्सा नफसी के मंज़र को बयान किया गया है कि दुनिया में एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले और मोहब्बत का दावा करने वाले दामन छुड़ाएंगे क़यामत में। एक शख्स से अपने भाई माँ बाप बीवी और बेटों से जान छुड़ा के भागेगा। अल्लाह ताला फरमाता है सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कुछ के चेहरे
रोशन मुस्कुराते और हशाश बशाश होंगे और कुछ के चेहरे गुबार आलूद होंगे और इन पर स्याही छाई हुई होगी। एक शख्स ने सुबह से लेकर शाम तक ना वो घर गया ना उसने रोटी खाई। मुफस्सरीन ने ना एक बात समझाने के लिए लिखी है कि सुबह से लेकर शाम तक ना घर गया ना घर की रोटी खाई ना बच्चों से मिला, सारा दिन ड्यूटी पे रहा। शाम को जब उसे पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, कितना खुश होता है, फिर वो अपने घर जाता है। फरमाया वो लोग जिन्होंने दुनिया में सारी ताकतें होने के बावजूद गुनाह नहीं किया, हर चीज जेब में होने के बावजूद खता नहीं की, बचते रहे, कोशिश करते रहे, तो कयामत के दिन रब जब उन्हें मजदूरी देगा ना तो फिर उनके चेहरे भी खुशी से खेल उठेंगे, फिर उनके चेहरे खुशी से खेल उठेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे बड़े फरहा होंगे। आगे फिर सूरत तकवीर शुरू होती है। इस सूरत में भी अलामात कयामत का जिक्र है कि सूरज की बिसाते नूर को लपेट दिया जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे, अभी खड़े हैं तो फिर ये चलाए जाएंगे, 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी, यानी दुनिया की मालो दौलत की कदर ख़त्म हो जाएगी। अरब के अंदर जब ऊँटनी हामला होती थी और 10 माह की होती थी तो फिर वो बड़ा ध्यान रखते थे, तो कुरान ने मिसाल दी, यानी यूं समझ लें कि 20-20 किलो सोना भी पड़ा होगा पर किसी को परवाह नहीं रह जाएगी। अब परवाह होगी तो कयामत की, आज तो बड़ी परवाह होती है ना, मतलब जिस जेब में पैसे होते हैं सारी तवज्जो उसी जेब पे होती है। फरमाया उस दिन ये तुम्हारा अमल होगा कि वो ऊँटनियाँ भी इसी तरह खाली छोड़ दी जाएंगी, दुनिया की मालो दौलत की कदर ख़त्म हो जाएगी, वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, समुंदर भड़काए जाएंगे, जाने एक बार फिर जिस्मों से मिला दी जाएंगी, और आगे चल के फरमाया आमाल के सहीफे फैला दिए जाएंगे, दोज़ख को भड़काया जाएगा, जन्नत करीब कर दी जाएगी, और हर शख्स जान लेगा इसने अपनी आखरत के लिए क्या ज़खीरा अमल आगे भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा कर कुरान मजीद और नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत के हक होने का बयान फरमाया है। फिर इससे आगे सूरह इन्फितार शुरू होती है। सूरह इन्फितार के अंदर भी कमोबेश इसी तरह के मज़ामीन अल्लाह करीम ने बयान फरमाए। फरमाए इदस समाउन फातरत, जब आसमान फट जाएगा, व इज़ल कवाकिब तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे, व इज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर बहने लगेंगे, व इज़ल कुबूर बुख़सिरत, और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी, ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी, अलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अख़रत, हर जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा है और पीछे पीछे जो छोड़ कर जाएंगे कुछ लोग उनका भी हिसाब देंगे, कहाँ से लेके छोड़ गए, किस तरह का बैंक बैलेंस छोड़ गए, ये पता चलेगा। और फिर जो अंदाज है ना इस सूरह मुबारका का बड़ा कमाल है, का या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया, तेरा रब तो बड़ा ही करीम है, तुझे किसने धोखे में डाला, यानी इतने करम वाले से तूने मुंह फेर लिया, इतने करीम से, दुनिया में सबसे बड़ा अपनी जान पर जुल्म करने वाला वो शख्स है जो अपने प्यार करने वालों से मुंह फेरता है, और उसकी दलील ये आयत है। रब फरमाते हैं मैं करीम हूं, मैं माफ करता हूं, मैं तुम्हें रोजी देता हूं, मैं तुम्हारे बगैर मांगे नेमतें देता हूं, इतना कुछ देता हूं और तुम मुझी से धोखे में पड़ जाते हो, तुम मेरी तरफ से मुंह फेर लेते हो। अल्लज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदलक, जिसने पैदा किया फिर तेरे अज़ा को दुरुस्त किया फिर इन्हें मोतदिल बनाया, फी अय्यि सूरतिम मा शा रक्कबक अलगर्ज, जिस शक्ल में उसने चाहा तुझे तरकीब बना दिया, तरतीब दिया जिस शक्ल में चाहा तुझे, ये जिस चीज की जो जो शक्ल है ना ये मेरे अल्लाह की चाहत है, ये अल्लाह की, मेरा रंग रूप भी मेरे रब की चाहत है और आपका रंग रूप भी, आपने ये नहीं देखना कि रंग कैसा है, देखना ये चाहत है मेरे रब की। चलें मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, एक बात और कह दूँ, ये चेहरे पे दाढ़ी भी अल्लाह की चाहत है, औरत के चेहरे पे नहीं तो ये भी अल्लाह की, और मर्द के चेहरे पे है तो ये भी अल्लाह की, अल्लाह की चाहत पसंद करनी चाहिए कि नहीं। चलें जिनको 8-10 साल हो गए हैं दर्स में आते, वो तो अब नेकी कर दें, को ज़माना बीत गया, वो हमारे ससुला कर लें, मेहरबानी करें,
वो तो आप थोड़ी इस तरफ तवज्जो करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इरशाद फरमाया कि कल्ला बल तुकज्जिबून बिद्दीन, ये सच है कि तुम झुटलाते हो कयामत के दिन को। अगर कयामत के दिन का तुम्हें यकीन हो जाए तो फिर तुम बुरे अमल न करो। लेकिन फरमाया वइन्ना अलैकुम लहाफिजीन, तुम पर निगरान फरिश्ते मौजूद हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, जो मुअज्जज हैं लिखने वाले जानते हैं जो तुम करते हो। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक जो अबरार हैं जो नेक लोग हैं वो ऐशो आराम में होंगे। नेक के सेठ नेक होंगे वो आराम में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और जो बदकार होंगे वो जहन्नम में होंगे। यसलौना यौमद्दीन, दाखिल होंगे इसमें कयामत के रोज। व मा हुम अनहा बिगाइबीन, और वो इससे गायब नहीं हो सकेंगे। चलो हम कोई दाव लगा के तो दोजख से निकल जाएं, वहां से गायब, वहां से गायब कोई नहीं हो। वमा अदरा कमा यौमुद्दीन, ये कई जगह पे कुरान पे लफ्ज आता है, पर जरा गौर करें। फरमाया वमा अदरा कमा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या पता कि कयामत का दिन क्या है। यानी इतनी आयात में बयान करके, कयामत का जिक्र करके भी कहा कि अभी तुम्हें क्या पता कि कयामत का दिन क्या है। सुम्मा मा अदरा कमा यौमुद्दीन, फिर आपको क्या इल्म के रोजे जजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिक नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, ये वो दिन है जिस रोज किसी ने कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा, किसी के लिए कुछ करना किसी के बस में। वल अमरु यौम इज़िल्लाह, और उस दिन सारे का सारा हुक्म अल्लाह का ही चलेगा। तो फरमाए उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए जद्दोजहद करो। इससे आगे सूरह मुतफ़िफ़ीन शुरू होती है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने नाप तोल में कमी करने वालों के लिए शदीद आज़ाब का जिक्र किया है। फरमाया जब वो लोग दूसरों से लेते हैं तो पूरा नाप के लेते हैं, और जब दूसरों को नाप कर देते हैं तो कमी करके देते हैं, खुद लेते हैं तो, और जब देते हैं तो फिर कमी करके देते हैं, यानी डंडी मारते हैं। मजीद फरमाया कि क्या इन लोगों को कयामत पर यकीन नहीं, यानी डंडी मारते हो, कम तोलते हो, क्या तुम्हें कयामत पर यकीन है, यानी तुमने मरना नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं वो देते नहीं, जो दिखाते हैं वो देते नहीं, और जब कुछ चीज़ देते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है और उनके लबो लहजे का अंदाज़ बिल्कुल इनफरादी हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में दयानतदारी का मुजाहरा करें, दयानतदारी का नाप तोल पूरा रखें। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बगदाद में बारिश नहीं होती थी, सब लोग आपके पास जमा हो के आए, हुजूर दुआ कर दें बारिश नहीं होती, तो आप फरमाने लगे ये मेरी खानकाह के ना बिल्कुल सामने एक करियाने वाला है, चीनी पत्ती बेचता है, उससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। लोग चुप करके चले गए, उसको कहा दुआ कर दो, कहते लगा हजरत साहब से दुआ कराओ, मुझे तो लफ्ज़ भी सीधे नहीं कहने आते। लेकिन लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। कहा नहीं हजरत नहीं भेजा है, दुआ कर दी, कहा हजरत साहब ने भेजा तो कर देते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह बारिश दे दे। लोग कहते हैं अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि काली घटाएं छा गई, बारिश बरसने लगी। लोग हजरत मारूफ़ करखी के पास गए कि इसको हम जानते हैं, हमारे साथ पला बड़ा है, जवान हुआ है, रात को अलग से आके तहज्जुद पढ़ता है, कोई खास अमल? तो हजरत साहब फरमाने लगे कुछ भी नहीं करता, 35 साल हो गए, मेरी खानकाह के सामने दुकान है, सौदा पूरा तोलता है, ग्राहकों के साथ सच बोलता है। फरमाया जो 35 साल से अल्लाह से डर के अल्लाह के बंदों से दयानतदारी कर रहा है, जब वो हाथ उठा के दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी हर दुआ मकबूल फरमाया करता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजर कयामत के दिन नबियों के साथ उसे रखा जाएगा, नबियों के साथ जगह दी जाएगी। तो इस सूरह मुबारका में अल्लाह करीम ने इस बात का तज़किरा फरमाया कि पूरा नाप तोल रखें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का आप जिक्र पढ़ रहे हैं कि वो नाप तोल के अंदर कमी करते थे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें सख्त सजा दी। सूरह इनशिकाक, इस सूरह मुबारका में भी आसारो अहवाले कयामत का बयान है, और ये कि कयामत के दिन जिन लोगों का सहीफा या माल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा उनका उखरवी हिसाब बहुत आसान होगा और वो अपने अहल की तरफ खुशी खुशी लौटेगा, और जिनका नामा या माल पीठ पीछे से दिया जाएगा वो कहेगा काश मुझे मौत आ जाए,
और उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। फिर आयत नंबर 16 से अल्लाह ताला ने शफक रात और चांद की कसम खा के फरमाया, कयामत के दिन मुशरकीन के लिए सख्त और होलनाक अजाब है। इतनी कसमें खा के रब फरमाते हैं कि मुशरिकों के लिए अजाब सख्त है। तो यहां लोग बड़े राजी हैं उनसे, बड़ी उनकी तारीफें करते हैं। अल्लाह कई कसमें उठा के कहता है ये जहन्नमी हैं, ये दोजखी हैं, यहां लोग बड़े राजी हैं। आप यकीन करें, बड़े बड़े सियाने लोग, बड़े बड़े समझदार लोग, वो समझते हैं कि अगर अमेरिका का वीजा मिल गया तो फिर समझे बड़ी कामयाबी हो गई। हमारा एक संगी है, तो एक दिन बैठे हुए थे तो एक साहब बड़े जौक शौक से बताने लगे कि मेरे पास ना ब्रिटिश पासपोर्ट है। दो तीन दफा उन्होंने कहा तो हमारा दोस्त वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है, कहने लगा चल बस कर, ब्रिटिश पासपोर्ट ये कदो जन्नत की टिकट है। एक आध दफा भी काफी है कि अब बार बार एक ही बात किए जाते हो। तो यहाँ लोग बड़ी दूर तक रसाई रखते हैं। असल में ना इन आयात का मतलब यह है कि मोमिनों अपने आप को खुशकिस्मत समझा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मेरे रसूल करीम का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। कई कस्में उठा के कहा ये जहन्नुम में जाएंगे। फिर सूरतुल बुरूज आती है इससे आगे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान लाने की पादाश में असहाबुल उखदूद, ये खंदक वाले लोग थे, पुराने ज़माने में कुछ हुए, उनको इस तरह कत्ल किया गया कि उन्हें भड़कती आग में डाल दिया गया। और अहले हक की उस कुर्बानी का अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में जिक्र फरमाया। असहाबुल उखदूद खंदक वाले, उनको खंदक में डाला गया। एक बात सिर्फ कर देता हूँ, बड़ी लंबी तफसील है, उधर नहीं जाता। एक बच्ची छोटी सी ना माँ से छीन के काफिर बादशाह ने ना आग में फेंकी। सब मोमिनों को फेंक रहा था, मुसलमानों को जो उस दौर में कलमा पढ़ते थे, तो उसकी माँ को पकड़ के वो फेंकने लगे तो बच्ची अंदर से बोल पड़ी, असहाबे उखदूद की बच्ची अंदर से बोल पड़ी, कहने लगी अम्मा डरना ना, फटाफट आ जा, गिरी मैं आग में हूं पर मेरे रब ने मुझे बड़ी रहमतें अता फरमाई, अल्लाह ने बड़े करम से नवाजा है, आ जा। ये गिर आग में रहे हैं पर खुदा करीम तो अपने फजल से इसे गुलजार बनाए जा रहा। तो उन लोगों का इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। फिर आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को तसल्ली फरमाई कि फिरौन समूद जैसे बड़े बड़े लश्करों वाले सरकशों का आज नामो निशान नहीं है। तो ऐ मोमिनों, ये तकालीफ और मुश्किलात बड़ी आर्जी हैं, बड़ी जल्दी अल्लाह दीन को शाने अता फरमाएगा। फिर अल्लाह ने शाने अता फरमाई ना, फिर अल्लाह करीम ने नवाजा ना।